ये नहीं है कि जी मैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए किसी दूसरे के ऑब्जेक्टिव को अंडरमाइन कर रहा हूँ ऐसा नहीं होगा करना पड़ेगा सारे ऑब्जेक्टिव सामने बल्कि एक लफज यूज़ किया करते हैं हम एफिकेसी एफिकेसी का मतलब होता है कि आपने जो गोल सेट किए हुए हैं ना ऑल द टाइम कीप इन माइंड दैट वी आर गोइंग टू दिस वर्ल्ड दिस गोल को अचीव करना है हमने ऑल द टाइम उससे हटना नहीं है ताकि वो अचीव हो जाए एट द एंड ऑफ द डे

लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस में आप देखें कि मोस्टली जो शेयर होल्डर्स हैं वो ग्रुप के यानी फैमिली के अपने ही मेम्बर्स हैं तो जो पब्लिक में शेयर होल्डरिंग है उनका इंटरेस्ट वॉच नहीं हो रहा होता है तो जहाँ तक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ मैक्सिमाइज शेयर होल्डर की वैल्यू नहीं वेल्थ नहीं है बल्कि स्टेक होल्डर में जो भी इन्वॉल्व है उन सब की वेलफी well वेलफींग well को हमने देखना है उनके सबके ऑब्जेक्टिव को सामने रखना है और फिर कंपनी को चलाना है इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये है असल प्रॉब्लम कि हमें बैलेंस रखना पड़े ये नहीं कि जी डायरेक्टर अपना कमीशन क्योंकि समटाइम ना डायरेक्टर्स को सैलरी के साथ साथ बोनसिस भी देना पड़ता है मैंने फर्ड कमीशन यूज़ किया कमीशन की बजाय आप क्या बोनस क्योंकि प्रॉफिट बनाओगे तो इतना आपको बोनस भी मिलेगा शेयर होल्डर्स के लिए तो ये है कि उनको डिविडेंट ही मिलता है और डिविडेंट भी डिपेंड करता है कि कंपनी अगर प्रॉफिट बना भी रही है तो उनको देना भी है कि नहीं देना फिर ये भी है कि कितना देना है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने बोनस के लिए प्रॉफिट बढ़ा लें और कैश आपके पास अवेलेबल ना हो टू पे द डिविडन टू द शेयर होल्डर्स ये गुड प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है नॉर्मली हम क्या करते हैं कि शेयर होल्डर्स को डिविडन देते हैं और उस डिविडेंट को भी ग्रेजुअली बढ़ाते हैं क्योंकि प्रोग्रेस अगर कर रही है कंपनी तो दे आर दे सपोज टू शेयर विद द अदर्स ऐसा नहीं कि उनको आप डिविडेंड्स ना दें हाँ अगर किसी स्टेज पर ऐसे होता है कि आपको लॉसेस हो रहे हैं तो फिर आप डिविडेंड नहीं भी देते ये भी होता है समटाइम कि आपकी कंपनी में ग्रोथ चाहिए और नई नई मशीनें लगानी है टेक्नोलॉजी नई आ रही है तो इन दैट केस आप शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर कह सकते हैं कि देखिए जी हम आपको इस साल डिविडेंड नहीं दे रहे हैं क्योंकि पैसे तो हमारे पास हैं लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे ग्रोथ ऑफ द कंपनी तो दैट इज़ दैट्स ओके लेकिन ये नहीं है कि जी आप अपना अपना कमीशन या जिसको बोनस में कहता हूँ बोनस बढ़ा लें और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना दें ये पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है अच्छा कॉर्पोरेट में ये जो दूसरी बात है इसमें लीड फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ये तीन वर्ड्स बड़े मशहूर हैं फेयरनेस का स्टैंडर्ड क्या हो ये फेयर है या नहीं फेयर है दैट्स ए प्रॉब्लम कि आप कैसे कहेंगे कि ये चीज़ फेयर है और ये चीज़ फेयर नहीं है ये अनफेयर है दैट इज़ द प्रॉब्लम बट वी से फिर सम्राद ये है कि कहीं पर हमने जानबूझकर कोई ऐसा लूफ होल नहीं रखा हुआ है जिससे कि स्टेक होल्डर्स को प्रॉब्लम हो जाए और ट्रांसपेरेंसी में भी ये कि बिल्कुल क्लियर कट बताएं कि ये है जी हम छुपाएं कुछ नहीं अच्छे हैं तब भी और अगर कोई चीज़ बुरी है तो भी देखें अगर डिसीजन लेते हो तो गलती भी तो हो जाती है ना तो इट डज मैटर कि जी आपसे गलती हो गई तो आप उसको छुपा लें नो हम आप टेल दम लुक दिस वॉट हमने ये सोचा था लेकिन ड्यू टू तो दिस दिस रीज़न ये पूरा नहीं हो रहा है तो ट्रांसपेरेंसी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आगे भी ये डिस्कस होगा लेटर एंड अकाउंटेबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है सम बॉडीज शुड बी अकाउंटेबल इफ़ समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन द कंपनी यानी हर एक को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए उसकी जिम्मेदारी को कबूल करना पड़ेगा अगर मेरे जिम्मे कोई काम है और मैं परफॉर्म नहीं कर रहा तो आई मस्ट बी आस्ट फॉर इट मैं अकाउंटेबल हूँ उसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है असल में कोर्ड ऑफ कॉपरेटिव गवर्नर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट ईशू है वो अकाउंटेबलिटी के लेट पीपल फील देट दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस और ये बहुत ज़रूरी है तो आज यहाँ भी और ऊपर भी अकाउंटेबल तो है ना बंदा अपने एक्शंस का तो ये बहुत ज़रूरी है बिजनेसिस में इन पाकिस्तान फर्स्ट कॉपरेट गवर्नेंस वॉज इश्यूड इन मार्च 2002, थाउजेंड टू यानी यानी आज से समझे में बीस साल पहले की बात है तो ये उसका शुरू हुआ फिर ये अमेंड हुआ बारह में फिर सतारह में और अब जो करंटली है वो 2019 का है तो जब हम कोड ऑफ कॉपरेट गवर्नेंस कहते हैं या कोड कहते हैं वर्ड, तो ये 2019 के कोड की बात हो रही है इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हुई हैं और बड़ी डिले, डिले, डिले के बाद ये आया है यानी कई कई साल लगे हैं इस चीज़ को बनाने में एस एस पी का ज़िम्मे था ये सारा काम और वो बाकायदा हमारे जो इंस्ट्यूशनस हैं उन सबको ये भेजते थे कि जी ये 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 हम करने जा रहे हैं आप अपनी ओपिनियन बनाएँ ख़ास तौर पर ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन है लाइक चार्ट अकाउंटेंट्स मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और सेक्रेटरीज़ के और ये इस तरह के जो इंस्टीट्यूशनस हैं इनको ये भेजते हैं वहाँ पर ये डिलिब्रेट करते हैं और उसके बाद वो खुद से भी बैठते हैं अपने लॉ की कंपनी लॉ के जो लोग हैं उनके साथ और फिर उसमें से ये बनाकर एक कोड जो है उन्होंने पेश किया है और ये अप्रूव हो गया है एस ओ पास हो गया है और अभी ये डॉक्यूमेंट की शक्ल में हमारे पास अवेलेबल है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी बेटर गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ़ द इन्वेस्टर्स बाई इम्प्रूविंग द डिस्लोजर इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इट इज़ फ्लैक्सीबल अब ये जो वर्ड है ना वर्ड फ्लैक्सीबल जैसे मैंने के जी मैंडेटरी चीज़ें हैं लेकिन साथ साथ रिकमेंडेड चीज़ें भी हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन मैंडेटरी में गुंजाइश नहीं कि आप उनको अवॉइड करें फ्लेक्सिबिलिटी में ये कि ये जो रिकमेंडेड एरियाज हैं इसमें कहीं कहीं अगर आप समझते हैं कि हमारे जरूरत नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं लेकिन फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोड ऑफ कॉपरेट गवर्नेंस एक्सरसाइज ए फॉर्मल एंड इफेक्टिव मेकेनिज्म फॉर एनुअल इवेल्युएशन ऑफ बोर्ड बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ रेफरेंस गिवन टू इट्स कमिटीज वेरी सिंपल थिंग देखिए कहीं भी आप जॉब के लिए भी जाएंगे ना तो आपको एक शीट दी जाएगी कि ये ये आपकी ड्यूटीज हैं तो ये जो सारे लोग कंपनी में काम कर रहे हैं हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है हर एक की जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइंड है दे आर सपोज टू वो फॉर्मल और अगर फॉर्मल नहीं अगर फर्ज करें कोई चीज़ लिखी हुई नहीं तो ज्यूम करेंगे कि ये इस तरह से होनी चाहिए तो एनुलल अप्रेजल जो है ज़रूरी है साल के बाद नॉर्मल तो हम डे टू डे बेसिस पर भी कर रहे होते हैं लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एनअल बेसिस पर ये जो बड़े बड़े लोग हैं डायरेक्टर्स के हजर या चीफ चीफ एग्जीटिव मैंबर्स जो होते हैं इनकी फॉर्मल अप्रेजल होनी चाहिए एंड ऑफ द ईयर कम से कम एनअली जरूर होनी चाहिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दरमियान में अगर को, कोई गड़बड़ हो रही है तो छोड़ देंगे नो no. आपने देखना है कि इनकी प्रॉपर अप्रेजल होनी चाहिए अच्छा फिर दे आर नंबर ऑफ कमेटीज़ दे बनाते हैं बिजनेस को चलाने के लिए दे हैव नंबर ऑफ कमेटीज़ तो हर कमेटी के जॉब डिस्क्रिप्शन है उसकी फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन में उसके लोग कौन कौन होंगे कैसे होंगे उनकी क्वालिटी क्या होगी और उनके फंक्शंस क्या होंगे और हर कमेटी की में, में, मीटिंग्स हो उनके उनमें जो डिसीजन लिए गए हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि कमेटीज़ ये भी आगे डिस्कस होगा डिटेल में कि कमेटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं द रिवाइज कोर्स है इंक्लूड मैनी रिकमेंडेशन इन लाइन विद द इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिस एंड पॉलिसी मैं आपको एक गुड प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज के बारे में बता दूँ देखिए यूके में उन्होंने गुड पेमेंट प्रैक्टिस का एक लॉ पास किया है गुड पेमेंट प्रैक्टिस यानी पेमेंट की प्रैक्टिस रिसीव की नहीं पेमेंट की अगर आपने पेमेंट कर दी उसके लिए क्या गुड प्रैक्टिस होंगे मसल आपने क्रेडिटर से उधार पर माल लिया है तो आपने उसकी पेमेंट तो करनी है तो क्लियर कट है कि जी आप डिसाइड कर लें कि कितने पीरियड के लिए आपको क्रेडिट मिला है और आफ्टर दैट पीरियड आपको वो पेमेंट करना ही है अगर आप नहीं करते तो स्टेट वे आपको केस लॉ में जाना पड़ जाएगा और आप अपना केस जीत जाएंगे क्योंकि वहाँ पर क्लियर है लिखा हुआ कि आपने ये अब देखिए हमारे यहाँ क्या है सैलरी स्टाफ को नॉर्मली उस कंपनी में जो है वो थर्टी फर्स्ट को मिल जाती है किसी को फर्स्ट को मिल जाती है कोई दस को देते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो लिंग लिंग्रॉन कर देते हैं हालांकि ये गलत है एक गुड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप फिक्स कर लें कि कब कर पेमेंट करनी है मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये पेमेंट्स का जो है पॉसिबल है कि आप देखिए आपके पास पैसे आते हैं तो आप एक कंट्रोल अकाउंट कैश का रखें जिसको हम डिपॉजिट अकाउंट कहेंगे सारे पैसे उसमें रखें और फिर ये जो खर्चे के लिए हैं उनके अकाउंट्स करंट अकाउंट अलग से खोल लें सैलरीज़ का अलग से खोल लें यूटिलिटीज़ का अलग से खोल लें मिस्लिन एक्सपेंसिस का अलग खोल इस तरह के एक्सपेंसिस खोल लें क्रेडिट्स का अलग खोल लें आप उनमें पैसा ना रखें पैसा रखें मेन अकाउंट में जो ही आप कोई बिल पास करें तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दें कि जी जिस जिस भी अकाउंट के हम चेक इशू करेंगे तो आप वो चेक पे करके पैसे इस अकाउंट से ट्रांसफर कर लें तो इट विल मेक मच ईजियर कि जी अगर आपने कोई राइट डाउन किया हुआ है कि कैसे चलाना है बिजनेस को तो हर जगह पॉसिबल है ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है ऑल लिस्टिड कंपनीज आर बाउंड टू फॉलो गुड गिवन प्रिंसिपल्स सारे लिस्टेड कंपनी को तो लाजमी है आप कहेंगे लिस्टेड कंपनीज का बार बार वर्ड आ रहा है ये क्यों देखिए इसमें जो है ना शेयर होल्डर्स की अगर आप देखें उनका कहाँ पर है वो देखिए मैं अगर लेट्स सी मैं अलाइड बैंक का शेयर होल्डर्स हूँ तो मैं तो कभी भी उनकी मीटिंग में भी नहीं गया वो डिविडेंड मुझे भेज देते हैं ठीक है लेकिन उन्होंने मेरा फेस भी नहीं देखा सो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और बैंक नंबर है बस वैट्स ऑल तो शेयर होल्डर हो बहुत बिखरे हुए हैं इधर उधर लेकिन जैसे मैंने कहा ना पाकिस्तान में मेजोरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो फैमिलीज़ के पास है बहुत कम कंपनीज ऐसी कम हैं जिनमें ज़्यादा पैसे जो हैं आम शेयर होल्डर्स के पास हैं ज़्यादा शेयर जो हैं आम शेयर होल्डर्स के पास हैं नॉर्मली वो आएगा जाके आगे बताऊँगा कि जब वो अगला एक सेशन आएगा कि किस तरह से शेयर होल्डिंग है कंपनीज की पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इमेजिन करेंगे एट्टी परसेंट तक शेयर जो हैं वो फैमिली मेंबर्स के पास ही हो बाकी 20 परसेंट जो है वो क्योंकि लिस्टेड है इसलिए फ्लोट तो करना पड़ेंगे ऐसा नहीं है कि आप सारे आप खुद रख लें नहीं लिस्टेड का माननी ये है कि स्टॉक एक्सचेंज पर आपने लिस्ट करवाई हुई है और आपका शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज पर बेचा और ख़रीदा जा रहा है दैट इज इम्पॉर्टेंट अच्छा अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात है कि दोज हु आर डायरेक्टर्स और से चीफ ऑर्गेनाइजर्स और मैनेजर्स मैनेजर्स तो खैर एम्प्लॉज़ में आ जाते हैं लेकिन डायरेक्टर्स के लेवल तक रखें आप तो उसमें कंट्रोलर के लेवल को भी ले आएँ तो उनकी क्वालिफिकेशंस कोई होनी चाहिए ऐसा ही नहीं है कि जी बस एक्सपीरियंस बेस पर ही रख लें आप नहीं कुछ ना कुछ तो क्लियर होना चाहिए बस देखिए लीडरशिप शुड बी इफेक्टिव यानी लीडर का पता होने ही शुड बी इफेक्टिव वो परफॉर्म कर सकता हो डाइवर्सिटी ऑफ डायरेक्टर्स एक ही किस्म के डायरेक्टर्स ना हो कोई मार्केटिंग को जानता हो कोई ऑपरेशन को जानता हो कोई फाइनेंस को भी जानता हो कोई पब्लिक रिलेशन को भी जानता हो इस सारा मिक्स करके रखें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही किस्म के डायरेक्टर्स रखें कोर कॉम्पिटेंसी आपका एक मसल मैं देखेंगे टीचर हूँ तो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है मैं टीच करता हूँ अगर कोई फ़र्ज़ करें ऑडिटर है तो उसकी कोर कम्पिटेंसी ऑडिटर की है तो इस तरह से कोर कॉम्पिटेंसी डाइवर्सिटी मुझे एक से ज़्यादा चीज़ें भी आनी चाहिए यानी डायरेक्टर्स को सिर्फ यही नहीं कि अपना ही पता हो बल्कि दूसरी चीज़ों को भी पता हो और हम जब डायरेक्टर की सिलेक्शन करें तो ये देख लें कि वो किस किस एरिया में हमें, हमें हेल्प आउट कर सकता है स्किल एक्सपीरियंस चाहिए नॉलेज अब देखिए नॉलेज की तो लिमिट कोई नहीं होती है आप शुरू कर दें आज किसी चीज़ को भी लेना तो इट कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग बल्कि ये कोर्स भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें भी नॉलेज की जरूरत है अच्छा फुली कन्वर्सेंट विद ऑपरेशन ऑफ द कंपनी कंपनी के ऑपरेशन के बारे में यू शुड हैव फुल नॉलेज कि कहाँ कहाँ कैसे चल रहा है ओनली देन यू कैन परफॉर्म थैंक यू वेरी मच